दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं अशेष जन्तो हो स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र दुख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, आज के इस स्त्री रोग लेक्चर सीरीज में आप सभी वैद्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये विशेष सत्र है जिसमें हम गुड़ कुष्मांड खंड के क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ। आप सभी उपस्थित वैद्यों का इस सत्र में स्वागत है। जो भी लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, आप भी इस सत्र का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी हमारे इस यूनिक कंसेप्ट क्लिनिकल गायनेकोलॉजिकल आयुर्वेद संभाषा का हिस्सा बनिए। 9410379397 पर संपर्क कीजिए और आप भी इस परिचर्चा का हिस्सा बन सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो कल्प है वो है गुड़ कुष्मांड खंड। तो गुड़ के बारे में हमें पता है कि गुड़ आयुर्वेद की या एक हमारे खान पान की हमारा गुड़ ये एक आहारीय द्रव्य है। गुड़ का प्रयोग हम हमारे शरीर में नित्य करते रहते हैं। गुड़ यह हमारे बहुत सारे गुड़ के फायदे है। गुड़ खाने से कितनी सारी, जैसे कि गुड़ एक पौष्टिक है, गुड़ से हमें ताकत मिलती है, धातुओं का बल बढ़ता है, गुड़ से आयन की प्राप्ति होती है और कुष्मांड जिसको कोहला कहा जाता है। तो कुष्मांड के बारे में भी यहाँ हम सबसे पहले तो कुष्मांड के बारे में मैं बताऊंगी और फिर हम लोग गुड़ कुष्मांड योग जो खंड है, जैसे कुष्मांड खंड कुष्मांड अवलेह हमें पता है, इसी प्रकार से थोड़ा सा अलग से वाजीकरण रोगाधिकार में आचार्य ने बताया है इसको, भेषज रत्नावली में इसका वर्णन आया है। तो इसीलिए मुझे ये कल्प बहुत अच्छा लगा और इसके क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस भी मैं आपसे आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जिस प्रकार से इसका प्रयोग हमने किया है हमारे हॉस्पिटल में, तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है दुर्बलता में, धातु पुष्टि के लिए, खासकर शुक्र धातु की पुष्टि के लिए वाजीकरण रोगाधिकार में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मुझे लगता है आज जैसे इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ गई है, तो इनफर्टिलिटी की समस्या के साथ साथ जो आयुर्वेद अष्टांग आयुर्वेद का एक पाठ है, अंग है वाजीकरण, जिसमें जहां पर वाजी के जैसा सामर्थ्य हमें अपेक्षित है या जहां पर हमें शुक्र धातु की मजबूती, शुक्र धातु की शुद्धता, जैसे इसको शुक्र धातु की शुद्धता के बारे में कहा गया है, स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुर मधुगंधी च शुक्र मिच्छति कैचित् तैलक्षोद्र निभम यथा। बट प्रैक्टिकली जब हम दोनों का, मतलब कपल का जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसमें हमें बहुत बार ऐसे होता है कि स्पर्म के काउंटिंग कम होती है, स्पर्म की मोर्टेलिटी कम है, शुक्राणुओं की संख्या कम है, एजोस्पर्मिया है, या फिर जैसे कि क्षमता नहीं है। तो इस इन सभी के लिए काफी सारे कल्प है, बट कुछ कल्प ऐसे है ये हमारे शुक्र धातु का बल बढ़ाने के साथ साथ इसका कई सारे व्याधियों में कई सारे लक्षणों के ऊपर भी इसका काम होता है। इसमें से एक है हमारा आज का ये कल्प गुड़ कुष्मांड खंड। इसके बारे में मैं आपसे आज चर्चा करूंगी, अपने कुछ अनुभव शेयर करूंगी, जैसे कुछ रुग्णों में मैंने इसका अनुभव देखा है। क्योंकि देखिए कुष्मांड अवलेह तो लाइक बाल रोगों में बच्चों से लेकर सभी वर्ग के लिए कुष्मांड ये बेस्ट है। कुष्मांड जो मुझे लगता है आगरा, ये जो गाँव है आगरा, तो सभी को हमें पता है, गौतम जी आपको पता है आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है, आगरे का ताजमहल बताइए सर। आगरा का जो पेठा आता है वो, या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो आगरे का पेठा तो हमें निश्चित रूप से पता है, या मुझे लगता है कि इसको हमने कभी ना कभी तो खाया है, भले ही हमने आगरे का ताजमहल भले ही हमसे छूट गया हो देखने का, बट पेठा तो हम जरूर खाते हैं। लेकिन आगरे की पेठे की बात ही कुछ और होगी निश्चित रूप से, क्योंकि वहां की वो स्पेशलिटी है। बट ये जो पेठा बनता है, जो जहां से, जिस बीज से, जिस वनस्पति से ये पेठा बनता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी।
जैसे कि हमारा एक ये होता है कि हम कल्प के साथ साथ कुछ द्रव्य के बारे में भी हमेशा से बताते हैं, ताकि द्रव्य कैसे काम करता है या द्रव्य के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो भी हमेशा मैं अपने सत्र में देती रहती हूँ। तो ये जो कुष्मांड है, जो जिसका कुल है कोशात की कुल, और ये इसकी जो ये है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि अच्छे से, मुझे लगता है कुष्मांड तो अगर बोलना चाहे तो इसके कई सारे उपयोग भी होते हैं। जैसे कि कई सारे घरों में जब गृह प्रवेश होता है, पूजा होती है, तो आंध्र प्रदेश में खासकर मैंने देखा कि आंध्र में हर घर में, हर घर के बाहर जैसे हम कुछ लगाते हैं, कुछ घर को सजाते हैं, कुछ प्लांट्स वगैरह कुछ इस प्रकार से डेकोरेट करते, उसी प्रकार से घर में कुछ वस्तुओं का घर के बाहर जैसे दरवाजे पे क्या लगाना है, कुछ शुभ चिन्ह लगाया जाता है, स्वास्तिक का चिन्ह लगाना, ये हमारी परंपरा होती है, इसको काफी हद तक हम लोग फॉलो भी करते हैं। इसी प्रकार से मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई प्रांतों में, कई जगह पर ये कोहला जो है इसको लगाया जाता, कोहले के बिना घर की पूजा ही नहीं होती, इस प्रकार इसका महत्व है। ऐसे बताया जाता है कि अगर ये कोहला मतलब हो जाए, मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि 6 महीने में या 1 साल में कोहला छोटा हो जाता है, धीरे धीरे शुष्कता आ जाती है, तब इसको निकाल देना चाहिए और फिर उसको लगाना चाहिए, इस प्रकार की भी प्रथा होती है। तो कोहला मुझे लगता है एक शुभ फल भी है जो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए ये भी मुझे यहाँ पे बताना था कि इस प्रकार से भी इसका उपयोग होता है। इसको पुष्प फल भी कहा है, इसको कुंभ फल कहा जाता है, कुष्मांड की महाफल, मराठी में हम लोग इसको कोहला बोलते हैं, भुई कोहला बोलते हैं। ये एक जैसे कि हमारा कद्दू वर्ग का, जैसे कद्दू वगैरह जो सब्जी में खाते हैं हम लोग, भोपड़ा बोलते हैं इसको, लौकी बोलते हैं, तो इस लौकी वर्ग का ही ये फल है जो सब्जी से लेकर इसकी खीर भी बनती है। खासकर मैं बताना चाहूंगी, अभी नवरात्रि का मौका है, माँ दुर्गा देवी, माँ देवी का जो भोग होता है उसके लिए जो भी सारा बनता है इसमें भी इसका समावेश किया जाता है। और कुष्मांड देवी नाम की एक देवी भी है जो जिसका पूजन इन सीजन में किया जाता है, क्योंकि अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा है तो पूजा में भी काफी बार इसको रखा जाता है। इसके साथ साथ जो इसकी खीर भी बनती है जो बहुत ही पौष्टिक बताई गई है, तो ये बच्चों से लेकर सभी वर्ग के उम्र के लिए कोहड़ा या कोहड़े के रस है, कोहड़ा का पाक है, अवलेह के जैसे चौनप्राश के जैसे इसको बनाया जा सकता है, इसकी खीर है, इसकी सब्जी बन सकती है, इसके कई सारे व्यंजन बन सकते हैं जो बच्चों से लेकर सभी उम्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। खासकर धातु का बल बढ़ता है। इसके गुण देखेंगे तो ये मधुर मधुर शीत है, ये मेद है, गुरु रुक्ष बताया गया है, पित्त शामक है खासकर, लेकिन मधुर है। अगर पका हुआ अच्छा कोहला आप लेते हैं तो ये सभी दोषों का शमन करेगा, ये वात का भी शमन करेगा बिल्कुल। तो इसके कई सारे उपाय, इसके कई सारे उपयोग है। कुछ खास जो उपयोग है जो ज्यादा मात्रा में हम लोग उपयोग में लाते हैं, अम्ल पित्त लेकर कई बार मैं स्त्रियों को लेकर आज बात करते हैं, हम लोग हमेशा से ये स्त्री रोग लेक्चर सीरीज है, तो स्त्री रोगों में जब किसी भी कारण से ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के बाद या फिर मेनोपॉजल एज में है, कि कोई भी उम्र में अगर कुछ थकान है, कुछ दुर्बलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हुआ है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो बाद में कुछ एक हमारे दोषों की शांति के लिए या कुछ पौष्टिक धातु का बल बढ़ाने के लिए, देखिए यहाँ पर इनफर्टिलिटी का अगर विचार हम करते हैं तो शुक्र धातु का बल बढ़ाना ये तो काम होता ही है कोहड़े का, तो ये जरूरी है पुरुषों के शरीर में, बट स्त्रियों के शरीर की बात करेंगे तो उसमें शुक्र धातु का उपयोग गर्भोत्पादन के लिए नहीं होता है। बाकी जो धैर्यम चवनम प्रीति हर्ष बीजात, ये बाकी शुक्र धातु के जो काम है इसको करने के लिए या ओवरऑल कुछ बल बढ़ाने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे हमेशा से ये लगता है कि हम हमेशा शुक्र धातु बोले तो सिर्फ केवल पुरुषों में नहीं है, बट एक क्षमता, ताकत, अच्छी शक्ति, धातु का बल बढ़ाना, और जैसे शुक्र धातु अच्छा होगा तो स्त्री में भी आर्तव अच्छा बनेगा, तो कुछ मतलब आगे बीज भी अच्छा, बीज शुक्र शोणित संयोग ऐसा कहा गया है, तो शोणित अच्छा बनने के लिए भी तो शुक्र धातु अच्छा होना जरूरी है। तो इसीलिए भी हम इसका प्रयोग कई भी किसी भी प्रकार से हम स्त्रियों में कर सकते हैं निश्चित रूप से बिल्कुल। तो खास इसका उपयोग हमेशा से किया जाता है वो है पित्त शमन के लिए, तो अम्ल पित्त में या शीत पित्त में या रक्त पित्त में इसका आप निश्चित रूप से प्रयोग कीजिए। कोहड़ा किसी भी रूप से आप खा सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके काफी सारे कल्प बाजार में मिलते हैं। ये रुद्ध भी है, हृदय दुर्बलता आती है तो इसमें भी हम
जैसे कि रक्तवाहिनियों को बल देने वाला, हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देने वाला होता है, और रक्त का प्रसादन होने से जो रक्तगत पित्त है, क्योंकि रक्त पित्त का आश्रय से संबंध है, तो रक्तगत पित्त का शमन करने के लिए भी और रक्त स्तंभन के लिए भी अच्छा उपयोग होता है। बच्चों में भी जैसे कुछ इपिस्टैक्सिस नासागत रक्त पित्त की शिकायत होती है, या कभी कभी पित्त बढ़ता है बच्चों में भी, जैसे बहुत ज्यादा सूर्य के संताप से, धूप में जाने से चक्कर आने लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इस समय में हम लोग अगर क्योंकि कोहोला ऐसा है कि जितना पुराना है 6-6 महीने इसको रखा जा सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि ग्रह पूजा के इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, तो घर में भी आप कोहोले को लाकर रखते हो तो 6 महीने तक इसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैं भी घर में खुद इसको लाते हैं हम लोग, तो भी हम लोग इसको बहुत दिनों तक रखकर इसको खा सकते हैं, कुछ खराब नहीं होता है ये, और ये जितना पुराना हो इतना अच्छा भी बताया गया है। तो इसकी खीर बनाकर खाएंगे तो पित्त का शमन होगा, या फिर इसके व्यंजन जैसे पेठा मिलता है, आप घर में भी पेठा बना सकते हैं, इसको आप अवलेहे के रूप में भी, जैसे हम लोग खंड बनाते हैं नारियल का खंड, नारियल का कुछ जैसे चिक्की वगैरह बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं, बर्फी बनाते हैं, इसी प्रकार से इसकी भी बर्फी बना सकते हैं कोहले की। और इसका प्रयोग आप बच्चों, घर में आपके बच्चे है तो बच्चों के लिए लाइक बदल बदल कर कुछ हमें बनाना होता है, खाना बनाना होता है कुछ अलग से स्नैक्स के तौर पर, तो इस ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये मधुर रस वाला है और आपके बच्चों में ताकत देने के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। कभी कभी बहुत सारे रुग्णों में खास श्वास के बाद थकान सी होती है, खास खास कर बल कम होता है, छाती में पसलियों में दर्द होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप एक बल्य ब्रुहन के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये दूध में मिलाकर, दूध के साथ इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। कुष्मांड का प्रयोग मैं बता रही हूँ, शुक्र दुर्बलता में तो मैंने बताया। इसी के साथ साथ कुछ क्लेद, देखिए हमेशा से जैसे मैंने पिछला जो हमारा कल्प था शुक्र मातृका वटी का वर्णन आचार्य भेषज रत्नावली ने प्रमेह व्याधि के अधिकार में किया है। प्रमेह एक ऐसा व्याधि है जिसमें काफी सारे दोष दुष्य होते हैं, शुक्र की भी दृष्टि होती है, इसीलिए जो धातु की शिथिलता है उसको कम करने के लिए जो भी कल्प हम उपयोग में लाते हैं उसमें से कई सारे कल्प सिमिलर है हमारे गायनी के डिसीजेस में भी, या जहां पर भी मेद धातु की विकृति है, क्लेद अधिक बनता है। जैसे पीसीओडी में भी हमने देखा कि उपयोग अच्छा होता है, चंद्र प्रभावटी का हमने देखा था कि चंद्र प्रभावटी का वर्णन आया था प्रमेह रोग अधिकार में, तो चंद्र प्रभावटी भी गायनिक में बहुत ज्यादा यूज की जाती है पित्त का शमन करने के लिए, या फिर पीसीओडी में हमने इसका प्रयोग देखा था किस प्रकार से क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमेशा से शुक्र और प्रमेह का निश्चित रूप से संबंध रहा है। धातु की लेवल से अगर हम सोचते हैं तो मूत्रकृच्छ, मूत्राघात, अश्मरी जैसे व्याधियों में भी हम इसका उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से इसका प्रयोग होता है, क्योंकि ये मूत्रल है और अश्मरी का भेदन भी करने वाला होता है। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर मैंने इस कोहोले के बारे में बताया है, इसको और एक इमेज में शेयर, इसका रस भी पिया जा सकता है, कोहोले का रस भी निकाल कर आप इसको ले सकते हैं, इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। अभी आगे हमारा जो कल्प है इसको मैं बताती हूँ। नमस्कार कनवल जी, कैसे बनाते हैं ये मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। देखिए अभी गुड़ कुष्मांड खंड, आचार्य चक्रदत्ता ने भी इसका वर्णन किया है और भेषज रत्नावली में वाजीकरण अध्याय में इसका वर्णन आया है, तो सूत्र नहीं पढ़ती हूँ मैं, कंटेंट्स बताती हूँ। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा मात्रा में हमें लेना है कुष्मांड या कोहोला, 4670 इतनी मात्रा में ग्राम, इतने मात्रा में ही कुष्मांड हमने लिया। छिलका निकाल देना है और बीज भी निकालना है, इसको मैं बताऊंगी आगे। फिर गोघृत हमें लगेगा 375 ग्राम, तिल तेल लगेगा 375 ml, दालचीनी का चूर्ण लगेगा, तेज पत्ता, फिर धनिया का चूर्ण, त्रिकटु है इसमें, जीरा है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, चित्रक मूल है, पिपली मूल है, फिर चौवे चूर्ण है, गज पिपली है, शुंठी है दीपन पाचन के लिए, सिंघाड़ा है, कशेरु चूर्ण है, त्रपुष बीज चूर्ण है, ताल मस्तक चूर्ण है, ये सभी 16-16 ग्राम की मात्रा में लेना है हमें। ये सभी 16 द्रव्य जो है 46 ग्राम की मात्रा में लेंगे। फिर गुड़ है 4670 ग्राम की मात्रा में। फिर मधु, शहद, ये 375 ग्राम की मात्रा में लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कुष्मांड मैंने दिखाया है इस कोहले को हम लोग अच्छे से इसका छिलका निकाल कर, जैसे हम खींचते हैं ना
कद्दूकस करते हैं ना, जैसे गाजर का हलवा बनाना है तो गाजर के ऊपर का ही निकालते हैं, तो नारियल का भी हम लोग सफेद नारियल की बर्फी बनाने के लिए ऊपर का जो काला पार्ट है उसको छील कर निकालते हैं। इसी प्रकार से इसको छीली आप अच्छे से, जैसे हम लोग छीलते हैं आलू छीलते हैं, तो ये इस प्रकार से इसको छीलना है, अच्छे से छील लीजिए और थोड़े मोटे मोटे इसके टुकड़े बना लीजिए और बीजों को निकाल दीजिए। जैसे बीज के बारे में मैं इस इमेज में मैंने बीज को भी लिया था खासकर, देखिए ये है हमारा, तो बीज निकालकर इसकी बहुत अच्छी टेस्टी खीर बनती है। जैसे हम लोग लौकी की खीर बनती है, सेवे की खीर बनाते हैं हम लोग, उसी प्रकार से दूध में इसको अच्छे से पकाकर घी मिलाकर खाएंगे तो बहुत ही तृप्तिदायक ये व्यंजन बनता है। मैं काफी बार बनाती हूँ से और अच्छा इसको पसंद भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये लंबे लंबे टुकड़े कर उसके बीजों को निकाल देंगे, इसको अच्छे से घिस कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे हम लोग इसको। अभी ये थोड़ा सा अच्छे से खीसा आपको जैसे करना होगा, खीस लेंगे तो अच्छे से हम इसको मतलब उबालने में समय कम लगेगा हम इसका आगे। अभी थोड़ा सा इसमें जस्ट एक लाइक हम इसको ऐसे ही गैस पर कढ़ाई में डाल देंगे तो ये जल जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिएगा और अच्छे से उसको पाक होने दीजिएगा। फिर पकने के बाद हम कपड़े में अच्छे से उसको डाल देंगे और कपड़े को गांठ मार कर अच्छे से उसको दबा दबा कर उसमें से जो भी पानी है इसको पकाया हुआ, तो वो पानी को हम लोग हाथ से दबा दबा कर इससे जल को निकाल देंगे। अच्छे से कपड़े में डालकर हम लोग इसको ये लेंगे, निचोड़ लेंगे, अच्छे से निचोड़ कर पानी निकाल देना है। अभी फिर इसको हम कढ़ाई में डालेंगे और अभी जैसे हम लोग लड्डू वगैरह बनाते हैं ना, तो लड्डू बनाते समय हम इसको अच्छे से घी पर भूनते, बेसन के लड्डू बनाने हैं तो बेसन को घी से भूनते हैं, इसी प्रकार से हमारा ये जो पका हुआ जो कुष्मांड का ये है फल है, इसको हम अच्छे से भून लेंगे एकदम से ऑरेंज कलर आने तक, इसमें घी डालकर अच्छे से इसको हम लोग भून लेंगे। मंद आग्नि पर भूनना है हमें, भून लेना है। अब थोड़ा सा भी बाकी जो भी जल था ना इसमें बचा कुचा वो भी चला जाएगा जल, और फिर इसका कलर बदलने लगेगा और कुछ लाल कलर इसमें आ जाएगा, तो हमें इसको उतार देना है। एक गैस में हमने ये सभी प्रक्रिया करनी है, दूसरे गैस में हमें गुड़ की चाशनी बनानी है। जैसे लड्डू बनाने के लिए चाशनी का पाक कड़क बनाना बना पड़ता है, हर एक व्यंजन में पाक अलग अलग बनता है, बट गुड़ जब हम लड्डू बनाते हैं तो पाक पक्का होना चाहिए ताकि हम लड्डू बना भी सके, हाथ से बांध भी सके और वो लड्डू अच्छे से रख भी पाते हैं। आपने एकदम पतला पाक बना दिया तो लड्डू जमेगा नहीं, आप लड्डू बना नहीं पाओगे। तो इस प्रकार से इस प्रकार का पाक हमने दूसरी गैस पर रखा है, तो इसका अगर अच्छे से कड़ा पाक बनता है मोदक लड्डू जैसा, तो हम अभी ये भुना हुआ जो कुष्मांड है उसमें मिला देंगे, तथा जो भी बाकी के सारे जो भी द्रव्य हमने लिए थे इनका सूक्ष्म चूर्ण अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे। अभी ये हमने पाक में हमने ये कुष्मांड डालना है भुना हुआ, और बाकी के 16 प्रक्षेप द्रव्य भी हमने इसमें डाल देने हैं। तो इस प्रकार से ठंडा, जैसे हम लोग कोई भी व्यंजन बनाते समय इसी प्रकार से बनते हैं कि थोड़ा सा ठंडा होने पर ये गाढ़ा बन जाता है धीरे धीरे। इसको इतना एकदम से पतला भी मत रखिए, बहुत पतला रखेंगे तो फिर बनने के बाद भी पतला रह जाएगा, बट एक एक आइडिया अंदाज के जैसे कि सेमी सॉलिड होने तक इसको रखने तक ये ही इसको गैस पर रखिए और उसको नीचे उतार देंगे, और फिर सभी द्रव्य अच्छे से मिला दिए हमने, मधु भी डाल दीजिएगा और सब अच्छे से घुल मिल जाते हैं। तो ये कभी खंड के जैसे बनता है, जैसे वड़ी के जैसे बन जाएगा, थोड़ा सा बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी बन नहीं बट बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं। इस प्रकार से ही हमारा कुष्मांड गुड़ कुष्मांड खंड बन गया है। ये इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी, इसके बारे में जो कथा है इसमें बताया है कि ये गुड़ कुष्मांड खंड इसको देव अभिषक अश्विनी कुमार ने निर्मित किया है, और इसे इसीलिए देखिए अश्विनी कुमार ने साक्षात इसको बनाया था, और अश्विनी कुमार की क्षमता को, उसकी ताकत को, शक्ति को हम सभी जानते हैं निश्चित रूप से। हमने जैसे जैसे हम कल्प पढ़ रहे हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये सभी कल्प कभी भगवान धन्वंतरी या कभी कभी भगवान शंकर इसको बनाते हैं, तो इस निश्चित रूप से इतने पुराने ये सारे अनुभूत कल्प है, और हम बस कुछ टैबलेट ले आते हैं और पेशेंट को देते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है सभी प्रकार से धातु की क्षमता को बढ़ाने, क्योंकि आयुर्वेद में तो दोष धातु के बिना कुछ होता ही नहीं है, तो हमें धातु को हमेशा ध्यान में रखना है, धातु का बल बढ़ाने के लिए ये बेस्ट बताया गया है। अश्विनी कुमार ने स्वयं इसको बनाया है, इसीलिए सवेरे प्रातः एक एक तोला यानी 12 ग्राम की मात्रा में गो दुग्ध के साथ सेवन करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे जो भी आचार्य ने बताया है, भेषज रत्नावली ने, इसी को मैं बता रही हूँ, ये सबके लिए बेस्ट है, खासकर मंदाग्नि व्यक्ति के लिए भी।
दुर्बल व्यक्ति के शरीर का उपचय कराने के लिए एक उत्तम वाजीकरण है। आजकल के जमाने में जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि इनफर्टिलिटी समस्या बढ़ गई है, और कितने सारे कपल्स को हमने देखा है कि जो मतलब इंटरकोर्स से ही डरते हैं, या कुछ उनके मन में कुछ गलत गलत सोच, गलत गलत विचार, कुछ पढ़ना, इंटरनेट पर देखना, इस कुछ बातें आजकल के जमाने में बढ़ गई है। तो इस इन सभी के चलते कई बार गलत धारणाएं बन जाती है, और इस प्रकार की सोच से भी हमारे धातु का, हमारे शुक्र धातु का बल कम होता है, वीर्य का बल कम होता है, और व्यक्ति फिर चिंताजनित हो जाती है। कई बार ऐसे पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि सब कुछ ठीक ठाक होता है, ऊपर से तो सब कुछ अच्छा चलता होता है, बट इनके मन में जो भी कुछ ऐसे कुछ विषय होते हैं जो हम लोग कहीं भी चर्चा भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कुछ विषयों के कारण भी अनिद्रा, जैसे इंसोम्निया है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, और ये ऐसे व्यक्ति फिर कुछ जॉब में या पारिवारिक जिंदगी में भी सफल नहीं बन पाते हैं। एक इनके अंदर ऐसे कुछ विचार, ऐसे कुछ विषयों को लेकर जो भ्रम होता है, जो एक उनको कहीं ना कहीं व्यक्त करना होता है, या इनके लिए कुछ ट्रीटमेंट लेनी होती है, बट लज्जा के वजह से वो ले नहीं पाते हैं, और कुछ कुछ यहाँ वहाँ देख कर ही कुछ कुछ खाते रहते हैं। कितने अभी 15 साल पहले बहुत सारा प्रचलन था कि ताकत बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे प्रोटीन एक्स या कुछ ऐसे, मैं अभी नाम नहीं लूंगी किसी प्रोडक्ट का यहाँ पर, बट लाइक ऐसे ही कुछ वजन बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ करके दूर दूर से दवाई मंगाई जाती थी, उसको खाया जाता था, थोड़ा सा अच्छा लगता था, 2-4 महीने में अच्छा लगता था, बट उसको बंद करने के बाद फिर से वही प्रकार या वही दुर्बलता थी, वही वो चालू रहती थी। तो इन सभी कंडीशंस में हमारा ये जो गुड़ कुष्मांड है, इसका आप सेवन करते हैं 3 महीने तक दीजिए, इससे कोई नुकसान ही नहीं है। देखिए इसमें कंटेंट्स भी कितने अच्छे हैं, गोघृत है, दालचीनी, तेज पत्ता, धनिया, त्रिकटू, जीरा, इलायची, बड़ी इलायची, जो हमारे हर एक स्रोत पे रस से लेकर रक्त तक, शुक्र तक काम करेंगे, क्योंकि रस धातु अच्छा बनेगा तो ही आगे जाकर शुक्र धातु अच्छा बनेगा। इसीलिए इस प्रकार से हमें देखना होगा कि जो भी कल्प हम सजेस्ट करते हैं रुग्णों को, उसके कंटेंट्स, उसके नाम पे मत जाइए हमेशा से, ये मेरी एक सलाह है आप सभी लोगों के लिए भी, तो उसके कंटेंट्स को भी देखिए, तो इसके कंटेंट से कुछ नुकसान नहीं है, इसका आप लॉन्ग टर्म की भी यूज कर सकते हैं। आप 3 महीने तक दीजिए, थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, फिर आप दीजिए, तो हमें अगर इस प्रकार से ये कुष्मांड अवलेह की जैसे ही बनता है, एक्चुअली कुष्मांड अवलेह तो हमें पता है बहुत ही एक नायाब आयुर्वेद की चमत्कारी कल्प है, जो काफी प्रयोग में भी लाई जाती है, पसंद भी की जाती है, जैसे च्यवनप्राश को खाया जाता है इसी प्रकार से कुष्मांड अवलेह को भी पसंद किया जाता है, क्योंकि काम दोनों के बहुत मात्रा में समान है। कुष्मांड खंड जैसे पेठे और कुष्मांड, यही इसी प्रकार से ही इसको बनाया जाता है, चाशनी बनाकर भुना हुआ जो कुष्मांड होता है इसमें डालकर पिपली, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, काली मिर्च, धनिया, करीब करीब सारे जो भी द्रव्य है ना, ये दोनों में सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है। जैसे कुछ द्रव्यों का कल्प यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, कुछ कुछ द्रव्य जो है वो अलग है, जैसे कि सिंघाड़ा हमारे इस कल्प में है, बट कुष्मांड पाक में ये सिंघाड़ा नहीं बताया गया है। फिर ताल मस्तक का चूर्ण नहीं बताया है, त्रिपुष बीज का चूर्ण इसमें नहीं डाला जाता है, इसमें काली मिर्ची अलग से है, वहां पर हमारे कुष्मांड खंड में गज पिपली का चूर्ण डाला गया है, जीरक भी डाला गया है। तो इस प्रकार से थोड़े से 3-4 द्रव्यों का फर्क है, बट कुष्मांड खंड भी इसी प्रकार से ताकत बढ़ाने के लिए, पित्त को कम करने के लिए, रक्त पित्त जैसे व्याधियों के लिए बहुत ही अच्छे से इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ हमेशा से रक्त पित्त का संबंध मस्तिष्क से भी रहा है, तो बुद्धि बढ़ाने के लिए, बुद्धिवर्धक, बलवर्धक, उरसंधान कर, स्वर को अच्छा बनाने वाला, ये अत्यंत उत्तम ऐसा रसायन यहाँ पर बताया गया है। और कई बार जैसे हम आजकल भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं आफ्टर कोविड, कोरोना के पश्चात बल, धातु का बल टिकाने के लिए क्या ले, तो मुझे लगता है कि मॉडर्न साइंस के पास इसका कुछ उत्तर नहीं है, बट हमारे पास ये एक अच्छा विकल्प है कि हम काफी सारे कल्पों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस विकल्प में आप निश्चित रूप से इस कुष्मांड अवलेह को भी डाल दीजिएगा, क्योंकि काफी सारे रुग्ण अभी हमारे पास आ रहे हैं। कई कई बार तो किसी का फोन आ जाता है पोस्ट कोविड, तो वो बोलते कि नहीं नहीं बिल्कुल, मतलब बोलने की भी हमारे इसमें कितने क्षमता नहीं है। कितने सारे रुग्णों से हमने सुना कि दरवाजे का जो
ये है ना नॉब रहता है, तो उस नॉब को भी पकड़ नहीं सकते हैं, उसको खोल भी नहीं सकते, इतनी भी हमारे अंदर क्षमता नहीं रह पाती है। तो ये कोरोना के बाद पोस्ट कोविड डिबिलिटी भी बहुत मात्रा में हमने ऑब्जर्व की है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप कुष्मांड खंड का, इस गुड़ कुष्मांड खंड का प्रयोग कीजिएगा जरूर, क्योंकि इसमें एडिशनल गुड़ है। तो महिलाओं के लिए रक्त प्रदर की समस्या है, श्वेत प्रदर की समस्या है, इनफर्टिलिटी की केसेस में धातु का बल बढ़ाने के लिए, पीसीओडी में भी या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस में भी, फिर या योनि व्यापद में भी, जैसे वातज योनि व्यापद में भी जो ड्राइनेस है, रुक्षता है, इसको कम करने के लिए, क्योंकि ये शीत है, भले ही ये शीत है बट बाकी के सारे कंटेंट्स को अगर हम देखेंगे, इसमें इसके सारे कंटेंट्स को अगर हम समझेंगे, तो ये सारे कंटेंट्स इसमें होने के साथ साथ इसका जो पित्त का शमन है, वात का शमन है, मधुर रस वाला बताया गया है। तो इसीलिए ये हम लोग वातज योनि व्यापद जैसे कंडीशंस में भी इसका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। इससे कुछ मतलब हानि तो नहीं होगी, निश्चित रूप से कुछ अच्छा फायदा ही होगा। और कुष्मांड अवलेह इसी प्रकार से उसको भी बनाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करता है, कार्डियक टोन के लिए, कार्डियक टोनिक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पोस्ट कोविड जैसे मैंने अभी बताया, अभी बीच में पिछले महीने में डेंगू का बहुत ज्यादा ये था, हमेशा से दिवाली के सीजन में या इस ऋतु में, शरद ऋतु में, शरद ऋतु के बाद में ठंडी के दिन में भी, लाइक जनवरी तक ये 4-5 महीने में हमेशा से टाइफाइड डेंगू ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि मच्छर ज्यादा मात्रा जैसे बारिश के बाद ये मच्छरों की पैदाश ज्यादा होती है, और इस सीजन में मच्छर भी बहुत पाए जाते हैं। तो मच्छर से होने वाले जो भी सारे डिसीजेस है, इसको भी हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। और इन सभी डिसीज की लक्षणों को अगर हम समझते हैं, तो इसमें डिबिलिटी एक मुख्य लक्षण होता है, ज्वर चला जाता है, बट ज्वर के पश्चात भी उठने की भी ताकत नहीं होती, चलने की ताकत नहीं होती, कुछ करने की ताकत नहीं होती है, एकदम से फिजिकल वीकनेस है। और एक रोग जब होता है तो रोगी का मनोबल भी कम होता है। तो इसमें हमें दोनों को, मतलब मनोबल एवं शारीरिक बल दोनों को अच्छा करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए ये एक अच्छा विकल्प हमारे पास है, कुष्मांड का। ये जो कल्प आज हम लोग पढ़ रहे हैं या इसका प्रयोग जैसे कर रहे हैं या जिस प्रकार से आचार्य ने इसको बताया है, तो निश्चित रूप से ये फायदेमंद ही होगा। और एक दूसरा मैं बताऊंगी, छोटी छोटी बातें बातें लेकर रुग्ण हमारे पास आते। दूसरी एक कॉमन शिकायत है वर्टिगो की समस्या। वर्टिगो के लिए भी क्या मेडिसिन दे, क्योंकि वर्टिगो कई सारे इससे जुड़ा होता है। वर्टिगो की पैथोफिजियोलॉजी को अगर समझना है हमें, संप्राप्ति अगर हम समझेंगे, तो मुझे लगता है कि वर्टिगो यह अनेक सारे ईएनटी डिसीजेस में भी वर्टिगो को पाया जाता है, कुछ नर्वस सिस्टम के डिसीजेस में भी। तो इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसके रीजंस होते हैं वर्टिगो आने के, चक्कर आने के, चक्कर के या सूर्यावर्तक, अर्धा बेदक, फिर माइग्रेन, शिरशूल वगैरह के भी अनेक सारे प्रकार होते हैं। तो खासकर यहाँ पर मुझे सूर्यावभेदक, जो कि सूर्य जैसे जैसे चढ़ता है तो प्रखरता आती है सृष्टि में, पित्त बढ़ता है तो पेन होने लगता है। माइग्रेन के भी लोगों में कुछ ऐसे ही पाया जाता है कि एक माइग्रेन के भी अटैक्स आते हैं बीच बीच में, 3-4 दिन में, 1 महीने में इसके कुछ एपिसोड्स आते हैं, और उस दिन बिल्कुल 3-4 घंटा कंटिन्यू, कुछ कुछ 5-6 घंटे तक सर दर्द रहता है, और बस पेन किलर ही लेकर ये चलते हैं। बट इसमें बाकी सारी पंचकर्म चिकित्सा है, शिरोधारा, शिरोवस्ती या विरेचन चिकित्सा कर सकते हैं, नस्य वगैरह कर सकते हैं। बट इसी के साथ साथ ये कुष्मांड खंड अगर आप देते हैं तो पित्त का शमन होगा, और जो क्योंकि सूर्य के संताप के समय ही ये पेन खासकर होता है, और काफी लोगों में जैसे हम लोग अनुभव करते हैं कि पित्त प्रकृति के व्यक्ति में, खासकर मैं बताना चाहूंगी कि जैसे पित्त प्रकृति के व्यक्ति खाली पेट है, काम कर रहा है, कुछ खाया नहीं है, तो भी उसका पित्त बढ़ जाता है। और सवेरे 10 से 2 के बीच में ये पित्त का काल है, तो इस काल में अगर आपके पेट में कुछ नहीं है, आप भूखे हैं, खाली पेट काम कर रहे हो, तो निश्चित रूप से चक्कर का आना है, या फिर एसिडिटी के जैसे लगना, कुछ खट्टे डकार आ जाना, अरुचि है, तो ये सारे लक्षण दिखते हैं। तो इस समय पर भी मुझे लगता है कि कुष्मांड खंड को आप आपके सवेरे के नाश्ते में भी समाविष्ट कर सकते हो, दृढ़ के साथ इसका आप प्रयोग करेंगे तो ये अर्धाव भेदक या माइग्रेन के जो रुग्ण है, सूर्यावर्तक जैसे वैद्यों में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग होगा। और एक मैं बताना चाहूंगी, जैसे डिबिलिटी में खासकर इसका प्रयोग बताया ना धातु क्षय में, तो धातु क्षय के कारण अनेक होते हैं, सेकेंडरी जो भी है, जैसे मैंने डेंगू फीवर बताया, कुछ टाइफाइड है, मॉम्स है, अलग कई सारे
जो ज्वर के कई सारे प्रकार आजकल हमें मिलते हैं। चिकनगुनिया करके एक हमारे इधर आया था बीच में, चिकनगुनिया का भी काफी मतलब बहुत ज्यादा बॉडी पेन उसमें रहता था। तो ये बॉडी पेन के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कई सारे इसमें मैं सलाह देती हूँ। कुछ ऐसे ही जो मुझे लगता है, हमेशा से मैं एक सीरीज भी चलाती हूँ, आहार एक ही औषध। तो निश्चित रूप से हमारा आहार ही हमारा औषध होना चाहिए। आहार आहार में ही हम औषधि को ढूंढने की क्षमता हम वैद्यों को विकसित करने चाहिए। तो इसीलिए मैं जो भी कल्प ज्यादातर पढ़ाती हूँ, तो मेरे कल्पों में खासकर जो भी द्रव्यों का प्रयोग होता है, उसको मैं किस प्रकार से हम हमारे किचन से भी उपयोग में ला सके, ये हमारा प्रयास रहता है कि इसको इजी वे में भी हम कैसे उपयोग में ला सके। कई बार ऐसी दिक्कतें आती है, कई बार वैद्य पूछते हैं कि कुछ कल्प का कौन से कंपनी के लिए ले। एक एक बार डिस्कशन में ऐसे ही चर्चा चल रही थी, तो एक वैद्य ने बताया था, ये हम भी इसको मानते ही, कि आप जो भी कल्प लेते हो, जो भी प्रोडक्ट आप प्रिस्क्राइब करते हो, वो उसी प्रकार से बनाया होना चाहिए। लाइक शोधन या जो भी संस्कार, जिस प्रकार से भी उसको बनाने की शास्त्रोक्त विधि बताई गई, उस विधि से ही अगर उसको बनाया जाए तो ही इसका फायदा होगा, तो हमें रिजल्ट कैसे मिलेंगे। इसीलिए वैद्य को हमेशा से किसी कंपनी के ऊपर ना निर्भर रह के अपने दवाइयों का निर्माण अपने से करना चाहिए, या फिर आपके पास आप अपनी खुद की छोटी सी एक डेवलप कीजिएगा, चूर्ण वगैरह रखिएगा, इससे ही आप कुछ कॉम्बिनेशंस मिलाकर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये भी हमें हमेशा से एक ध्यान में रखने लायक बात है, मैं यहाँ पे इस समय में बताना चाहती हूँ। तो इसके अनगिनत फायदे हम लोग चर्चा में कर रहे हैं, आगे आपसे भी मैं सुनना चाहूंगी। हाँ, और एक मैं बताऊंगी, अभी स्त्री रोगों की बात होती है, तो हमेशा से मैं हर एक हिस्सा स्त्री के जिंदगी का इसमें इसका उपयोग बताना चाहती हूँ। जैसे प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक, तो वातज या पित्तज में तीनों प्रकार के मेनोपॉज, हैप्पी मेनोपॉज जो कंसेप्ट चल रहा है, इसमें हम कितने सारे जो भी सभी अर्थराइटिस है, कुछ डिबिलिटी, जनरल डिबिलिटी होती है, कुछ गूगल कल्प देते हैं, कुछ थोड़ा सा वजन को कंट्रोल रखने के कल्प देते हैं, कुछ स्मृति बुद्धि बड़ा बढ़ाने वाले भी, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाने वाले, कुछ चिड़चिड़ापन होता है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, ऐसी स्थितियां होती है। तो इन स्थिति में भी आप ये कल्प जो है, आप बिल्कुल इसको जोड़ दीजिएगा। निश्चित रूप से आप मुझे एक, जैसे ही आप प्रयोग करेंगे, एक 15 दिन के बाद ही, जैसे आप रुग्णों को डेली खिलाती है ना, तो 15 दिन के बाद ही तुरंत आपको इसका फायदा नजर आएगा। और निश्चित रूप से आप आगे भी इसका प्रयोग अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ अलग अलग रुग्णों में आप इसको उपयोग में ला सकती हो। रक्त पित्त को मैंने बताया, शीत पित्त में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी एलर्जिक टाइप का अर्टिकेरिया होता है, शीत पित्त होता है, कुछ कुछ कपड़े पहनने से, कुछ कीटक का दंश होने से, कुछ विशिष्ट प्रकार के वातावरण में जाने से भी खुजली आने लगती है, जिसको आयुर्वेदिक परिभाषा में हम लोग शीत पित्त कहते हैं। तो इसमें भी हम, हाँ और एक बताऊंगी मैं अभी, इसका प्रयोग खास कर देखिए, कुष्मांडा उलेह तो बच्चों में भी है और गर्भिणी स्त्री में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे कोई नुकसानी नहीं होती है। गर्भिणी स्त्री की जो हार्ट बर्न की, गैस्ट्राइटिस की, पेप्टिक अल्सर की समस्या है, तो बहुत बार ये प्रश्न होता है कि गर्भिणी में हम लोग अम्ल पित्त के लिए क्यों दे, क्योंकि हाइपरिमेसिस तो होता ही है गर्भिणी में। तो इस समस्या के लिए भी आपका ये कुष्मांड बहुत ही अच्छा है, इसको आप किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कीजिएगा। निश्चित रूप से गारंटी के रूप से मैं बताऊंगी कि आप मतलब रुग्ण में आपको पूरे लक्षण कम होते देखेंगे, पूरे लक्षण आपको कम मिल जाएंगे, जो भी कुछ रिफ्लेक्स होता है, कुछ हाइपर एसिडिटी है, अरुचि जैसी समस्या होती है, कुछ खाने को मन नहीं करता है, तो इसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसके डोज में कुछ खासकर बताऊंगी कि इसका जो डोज हमारे शास्त्रोक्त तो इसमें जो बताया गया है, 12 ग्राम की मात्रा में बताया है, दूध सुखोष्ण गोदुग्ध के साथ, यानी थोड़ा गुनगुना दूध हम लेते हैं तो अच्छा होगा। तो आप बच्चों में भी, 1 से 3 साल के बच्चों में भी कुछ कम मात्रा में, लाइक 1.5 से 2 ग्राम की मात्रा में उपयोग में ला सकते हो। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया हो तो आप थोड़ी सी मात्रा बढ़ा दीजिए, 4 ग्राम की मात्रा तक बढ़ा दीजिए। फिर थोड़ा सा टीनेजर में जाता है तो 5 से 10 ग्राम, 10 ग्राम की मात्रा में दीजिए। और फिर अडल्ट डोज तो जैसे मैंने बताया, 10 से 12-15 के ग्राम के बीच में ही इसका है। आप बीड़ी इसका इस्तेमाल कीजिएगा, अगर आपको रात में खाना है, बेड टाइम में लेना है, तो कोई भी दवा बेड टाइम में, यानी खाली दवा और सो गए ऐसा नहीं है, तो कम से कम आधा पौना घंटा आपको पहले लेंगे तो अच्छा होगा। और खाने के बाद अगर आपको ये लेना है तो आप 2 घंटे के बाद इसको ले सकते हैं, और दूध के साथ बिल्कुल अच्छा इसका उपयोग होगा। वैसे तो इसका कुछ साइड इफेक्ट्स या अभी तक तो कुछ पाए नहीं गए हैं,
बट हम 3 महीने तक तो बिल्कुल सेफ साइड से इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आज का हमारा जो गुड़ कुष्मांड खंड है, ये हमारे इन सभी विकारों में बहुत अच्छे से काम करेगा। हित का, छर्दी, श्वास, कास। तो श्वास कास में, जैसे मैंने अभी बताया इसके बारे में, श्वास कास को लेकर बहुत बार कुछ रुग्ण आते हैं ओल्ड एज में, क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि अस्थमा या फिर एक्सपेक्टोरेशन, कुष्ठीवन की समस्या है, थूंकी में से कफ निकलना है, तो इसमें भी खास खास कर कफ निकाल निकाल कर, घर में कुछ बूढ़े लोग होते हैं, पेशेंट्स आते हैं, बूढ़े पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि एकदम थकान लगती है, फुसलियों में दर्द होता है, उरक्षत, क्षतक्षीण, ऐसे रोगों में, राजयक्ष्मा में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते। देखिए आपके पास कितने सारे, आप थोड़ा सा स्रोत वाइज विचार करेंगे तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सभी स्रोतों के विकारों में आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी तरफ से मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, आप सभी से भी मैं आपके एक्सपीरियंसेस सुनना चाहती हूँ। पिछले ही महीने में पोस्ट कोविड एक केस आई थी मेरे पास, तो इस पोस्ट कोविड केस में मैंने इनको ये सजेस्ट किया था, तो 20 दिन के बाद जब उन्होंने बताया मुझे कि काफी अच्छा महसूस हो रहा है, और अभी जो अभी अभी ये सीजन है कि इसमें अभी इस सीजन में कुष्मांड बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, तो आप कुष्मांड किसी भी प्रकार से दीजिए, आपके पास रुग्ण आते हैं। और एक सलाह मैं देना चाहूंगी कि हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ लाइक इनफर्टिलिटी के कारण रूल आउट करके ही आपको कुछ कल्प प्रयोग में ला सकते, तो ये एक ऐसा कल्प है कि भले ही स्पर्म का काउंट अच्छा हो, भले ही मोर्टैलिटी अच्छी हो, भले ही स्त्री बीज में भी कुछ दृष्टि नहीं हो, बट इनफर्टिलिटी हो, तो इसमें भी धातु का बल बढ़ाने के लिए, पुष्टि के लिए आप इसका जरूर उपयोग कीजिए, क्योंकि एक जनरल टॉनिक के रूप में हमें इसको देखना है। इसके साथ साथ स्पेसिफिक कंडीशंस भी है, लाइक कुछ मूत्रकुच की रुग्ण है तो आप चंद्र प्रभा वटी के साथ इसका प्रयोग कीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको कुछ अर्बुद की समस्या वाला है, कुछ सिस्ट है, तो कांचनार गुगुल के आरोग्य वर्धिनी के साथ आप इसको जोड़ दीजिए। आप श्वेत पत्र की चिकित्सा कर रही है तो धात्री लोह आप देंगी तो इसमें भी आप इसको दे सकती है, ये क्योंकि गुड़ है तो आयन बढ़ेगा, क्योंकि फीमेल में आयन का लॉस ज्यादा होता है ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, और आयन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आयन की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका सप्लाई नहीं हो पाता है तो आयरन डिफिशियंसी होती है। तो कितने सारे लक्षण मिल जाते हैं हमें, थकान, दुर्बलता, नख में पांडुता है, बालों का झड़ना है, त्वचा का निस्तेज होना है, जो पांडु के लक्षण हमेशा हमसे हम पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है इस विषय पर जितना भी बोल सकते हैं उतना हम बिल्कुल बोल सकते हैं। समय की इसको देखते हुए यहाँ पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी, हम डिस्कस करेंगे, आपके भी कुछ अनुभव होंगे तो इस कल्प के बारे में। यस मैम, नमस्कार। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए कैसे हैं मैम। इसको डायबिटिक पेशेंट में दे पाएंगे हम? डायबिटिक में इसमें गुड़ है। हाँ जी, हाँ, तो मुझे लगता है कि लेकिन दे सकते हैं, इतना इससे नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप थोड़ा कम मात्रा में, जैसे आप तो खुद बनाकर इसको प्रयोग में लाएंगे तो इसमें गुड़ का प्रयोग प्रमाण कम कर उपयोग में लाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि वैसे तो इससे कुछ नहीं देना, ऐसे भी कुछ नहीं है, बट एक थोड़ा प्रिकॉशन के तौर पर मैं बताना चाहूंगी जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि गुड़ इसमें, अभी देखिए आप कोई भी बाहर का कल्प लेते हैं ना, तो अभी मैं किसी के ऊपर ये नहीं कर रही, कॉमेंट नहीं करना चाहती, बट बेसिक क्या है कि प्रोपोर्शन कितना होता है, कौन सी कंपनी का किस प्रकार का गुड़ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हेतु में आया है ना गुड़ का, तो मधुमेह के हेतु में आता है ना, प्रमेह के हेतु में, तिल, पिष्ट वगैरह ये सभी गुड़ के व्यंजनों का इस्तेमाल करना, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। आप इसको कोहरे का रस निकाल कर दीजिएगा, कम मात्रा में शुगर आती है आपको, मतलब शुक्र धातु का भी बल बढ़ जाएगा, और आप जिस जिसके लिए आप देना चाहती है, मतलब मधुमेह छोड़कर बाकी लक्षणों के लिए, फिर अच्छे से काम करेगा। आपने हाइपरएमेसिस ग्रेविडर में बोला ना, प्रेग्नेंट लेडीज में, तो उसमें हम बिफोर मील्स देंगे इसको, फिर खाने से पहले ही देंगे जी। हाइपरएमेसिस में मैम खाने से पहले देंगे ना फिर इसको? खाने से पहले दे सकते हैं, खाने से पहले दे सकते हैं मैम। डोज सेम रहेगी उसमें, 12 ग्राम ही रहेगी? हाँ तो डोज सेम ही रहेगा, 10 से 12 ग्राम। इसमें बच्चों में तो 2 से 2.5 ग्राम से स्टार्ट करें, 1 से 3 साल के बच्चे तो डोज
दो ढाई ग्राम कीजिएगा, कि थोड़ा सा 3 से 6 साल के बीच के बच्चे हैं तो आप इसको 3.5-4 ग्राम की मात्रा में दीजिएगा, फिर थोड़े ऐसे इस प्रकार से दो दो से स्टार्ट करके हमें इसको 12 ग्राम तक अडल्ट तक आने तक इसको बढ़ाना है। थैंक यू मैम। हाँ और कुछ स्वाति जी, डॉक्टर गौतम सर? यस और किसी को कुछ पूछना है इसमें? और कुछ केस है किसी की? आपका वो पेशेंट को दिया मैम आपने ट्रीटमेंट उस दिन लाइव लाया था तो कनवल जी? हाँ जी मैम, वो पेशेंट को कल एमएमआर लगाएंगे मैम, वो गवर्नमेंट सप्लाई में मैम मिलता है एमएमआर। हाँ। ऐसे तो अवेलेबल नहीं है, एमआर इंजेक्शन है मैम, मीजल्स एंड रूबेला का। उसको अच्छा। मैं गैप दूंगी, फिर 1 वीक का गैप देने के बाद उसको फिर ए साइकिल भी शुरू करूंगी, जैसे अंजना मैम ने बताया था कि 15 दिन के लिए हम देंगे, तो ऐसे मैम उसको मैं 2 महीने में कंप्लीट कर दूंगी उसका ट्रीटमेंट ए साइक्लोविर का। मतलब स्टेप वाइज दूंगी मैम उसको सारे ट्रीटमेंट्स ना, पहले एमआर लगा देंगे उसको कल, फिर आफ्टर 15 डेज मैम उसका ए साइक्लोविर का केस शुरू कोर्स शुरू कर दूंगी मैम, और ऐसे उसको 3 स्टेप्स में बोला मैम ने देने के लिए। हाँ जी एंड में मैम रोवामाइसिन दे देंगे उसको। अच्छा हाँ, एंटीबायोटिक तो देना जरूरी है अभी के कंडीशन के लिए तो थोड़ा सा। उसका मैम IgM हुआ था टेस्ट ना, IgM नेगेटिव है उसका। नेगेटिव है ना तो ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी, अच्छी बात है ना फिर ये तो। मतलब डॉक्टर लावण्या, डॉक्टर स्वाति? मैडम मैं इधर एक पेशेंट है मैडम, लेडी पेशेंट, बहुत गर्मी होती है, ओवर स्वेटिंग है, उसकी हेडेक, हेडेक बोले तो पार्श्व शूल ज्यादा पार्श्व है, और इस दिनों में उसको तो बैक क्या बोलते हैं गर्दन में भी उसको दर्द होने लगा है, ओवर स्वेटिंग आता है उसको, ऐसा जस्ट बात करके बैठे तो भी बहुत स्वेट आता है। अच्छा एज क्या है? एज 35 है मैडम। अच्छा बाकी कुछ प्रॉब्लम? सिर्फ स्वेटिंग की प्रॉब्लम है इसको, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होके अबॉर्शन हुआ है, एक बच्चा है अब तो। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी क्या है एग्जामिनेशन में फाइंडिंग्स आपके? सब नॉर्मल है मैडम, सब अच्छा है इसका, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आप पेशेंट की साथ चाहे तो बात कर सकते हैं मैडम, बात करते हैं आप, लाइए उनको, बुलाइए ना, कोई बात नहीं बुलाइए। इधर ही है मैडम पेशेंट। हाँ भैया दिखाइए ना, अच्छी बात है ना, ये तो हमारा मतलब लाइव हो जाएगा ना, अच्छा ही है ना। बताइए कैमरा ओपन कीजिए। मैं तेलुगु लो చెప్పు हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ यस, ये है स्वर्णा मैडम, नाम है उसका, नाम स्वर्णा है, ये है पेशेंट मैडम, आप देख रहे हैं ना। नमस्कार। ये है पेशेंट। हाँ, आप कुछ पूछना चाहे बताइए बताइए, क्या क्या है आपको मैडम बताइए। नमस्कार। नहीं आती है वो, जैसे तेलुगु ही बात कर सकती है, आप कुछ बोले तो मैं ही पूछती हूँ। तेलुगु पेशेंट तो अभी तेलुगु वैद्य है क्या कोई हमारे साथ? नहीं मैडम, आप हिंदी में बोलिए भाई, आंसर दे दो। हाँ यस यस, या डेफिनेटली डेफिनेटली, तो बस वही क्या क्या है बताइए, कॉम्प्लेक्स एक बार बताइए। गर्दन का पेन है उसको, आईब्रोज पे पेन है मैडम। कुछ करा है क्या, कुछ इन्वेस्टिगेशंस? कुछ पेन कंटिन्यू रहता है क्या, या कुछ समय पे आता है पेन ऐसे, या दिन भर रहता है, रात भर रहता है, नींद नहीं हुई तो होता है? मान కొంచెం బండి మీద ఎక్కడికన్నా గాలికి వెళ్తే, టీవీ చూసినా, ఫోన్ చూసినా, కొంచెం లైట్ ఫోకస్ పడినా కూడా అవుతుంది నాకు. వో తో ఆజ్కల్ ముజే లగ్తా హై ఇంటర్నెట్ కా మత్లబ్ బహుత్ జ్యాదా ఇస్తమాల్ కర్నా. చష్మే కా నంబర్ చెక్ కీజియే ఎక్ బార్, చష్మే కా వో కర్కే ఆయీ హై మేడమ్, వో కుచ్ భీ నహీ హై, ప్రాబ్లమ్ నహీ హై, పర్సో హీ కర్కే ఆయీ హై, మై బోలీ థీ ఉస్కో. హాన్ హాన్, కుచ్ ప్రాబ్లమ్ నహీ హై, సబ్ అచ్చా హై బోల్ కే బోలే డాక్టర్ భీ.
बाकी मेंस्ट्रुएशन वगैरह रेगुलर है कुछ इसमें ये नहीं है रेगुलर नहीं हां रेगुलर ఇంత ముందు లేకుండే జస్ట్ 4 5 మంత్స్ నుంచి రెగ్యులర్ అవుతుంది సిన్స్ 4 5 మంత్స్ రెగ్యులర్ మేడం अच्छा आप सभी वैद्यों को कुछ पूछना है इस केस में बताइए पूछिए आप भी यस मैम गौतम सर स्वाति जी कनवल जी आपको क्या लगता है कुछ पूछना चाहिए बताइए मैम कंप्लेंट क्या है इनकी इनको सिर्फ पेन है नेक पेन और कुछ स्वेटिंग ज्यादा है नेक पेन तो मुझे लगता है कि लाइक साइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है मैम इनको कुछ हाँ जो इनको जहाँ पर पसीना वगैरह आता है वहां पर खुजली वगैरह है क्या अधिक कुछ रैशेस वगैरह बन जाते हैं कुछ भी नहीं है मैडम कुछ नहीं क्या काम क्या करती हूँ रैशेस कुछ भी नहीं है పడుకొని మార్నింగ్ లేచినప్పుడు యాక్చువల్ గా మైండ్ అనేది రిలీఫ్ ఉండదు కానీ నాకు నెత్తి అంతా బరువు బరువు ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ఉట్నేకి బాద్ మేడం సుబహమే ఉస్కోతో బౌత్ హెడ్ సబ్ థోడా భారీ రహతా హై అచ్చా రిలీఫ్ నహీ హోతా వో సోకే ఉట్నేకి బాద్ ఉస్కో రిలీఫ్ నహీ మిల్తా ఫిర్ భారీ జ్యాదా హోతా హై భారీ రహతా హై నీంద్ పూరి నహీ హో పాతీ హై कुछ बाकी टेंशन कुछ बाकी ठीक है सब कुछ फैमिली एवरीथिंग इज ओके ఏమీ లేవు మేడం నాకు అట్లా ఏమీ లేదు కుచ్ బి నే లేదు ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నా అసలు ఏమీ లేవు నాకు పెద్దగా ఏమీ లేదు अच्छा आप रात में सोती है ज्यादा मतलब देर से सोती है ज्यादा टीवी देखना क्या है मतलब काम क्या करती है दिन भर घर में रहती है क्या है आपका అది టీవీ ఎక్కువ చూస్తావా మార్నింగ్ అంట ఈ అంటే ఫస్ట్ చూసేదనే ఈ పెయిన్ వచ్చినప్పటి నుంచి అన్ని కంట్రోల్ లో మార్నింగ్ అడుకుంటావా कंट्रोल किया है अभी पेन हो रहा है इसीलिए ओके वो ट्यूशन बोलने के लिए आती है मैडम हमारी बच्चे के घर पे आती है उसलिए एवरीडे बोल रहे हैं मुझे पूछ रहे हैं मैडम एक बार दिखाओ मुझे दिखाओ शिल्पा मैडम को बोले तो आज बात करेंगे बोल के लेकर आए मैडम ऐसा अच्छा अच्छा बताइए वैद्यगण आपको क्या लगता है गौतम सर माधुरी जी स्वाति जी कनवल जी मैम उन्होंने एक्सरे निकाला है नेक का एक्सरे कुछ किया है इन्वेस्टिगेशन रस धातु और मेद धातु की दृष्टि लग रहा है स्वेटिंग वगैरह बोल रही है ना तो मुझे लगता है मैं संप्राप्ति के बारे में आप सभी से जानना चाहती थी कैसे विचार करेंगे हम लोग बट पाचक देना चाहिए तो स्वेद वगैरह कम हो जाएगा मैम रस पाचक दिए ना रक्त पाचक भी अप टू टिल मेद पाचक तो फिर ये हो जाएगा आरोग्य वर्धिनी पहले तो रस पाचक देंगे हम लोग आरोग्य वर्धिनी देंगे और मुझे इसमें ये एक लगता है कि उशिरासव हाँ बराबर है मैम हाँ उशिरासव एक और जैसे कि पित्त का शमन करने के लिए अभी तो ये गुड़ कुष्मांड पता नहीं अभी उनको उधर मिलेगा आप कहाँ से है मैम लावण्या जी कौन सी सिटी से महबूब नगर से है मैडम हम कौन सा महबूब नगर तेलंगाना स्टेट महबूब नगर महबूब नगर अच्छा अच्छा महबूब नगर तेलंगाना खजूर मटी अभी पतिगढ़ में भी दे सकते हैं मैम उनको जरा अभी हाँ वही 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 मुझे क्या लगता है कि हम लोग इनको ना उशिरासव लिखिए उशिरासव ओके मैडम उशिरासव खजूर वटी ट्राई कीजिए मुझे हम अच्छा मतलब इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे उनको पित्त ये शमन होगा और बल भी बढ़ेगा क्योंकि ये कुछ इंद्रिय दुर्बलता भी है रस तो दृष्टि धातु दृष्टि भी है बट अगर ऐसे देखा जाए तो ये जो इस जिस प्रकार से बोल रही ना आंखों में सर में दर्द है तो इंद्रिय में भी थोड़ा सा बल देने के लिए धातु का पोषण करने के लिए भी हम लोग खजूर वटी भी साथ में जोड़ देंगे और रस पाचक दीजिएगा आरोग्य मैडम रस पाचक में मैडम ये भी है हाँ मैम इनका रात्रि जागरण है क्या रात्रि जागरण नाइट टाइम में मना पड़को कुन उन्टा जागरण आप रात्रि में ना पेन थोड़े निद्रा इतना ना के रात्रि में आप स्लीप कम है बोल के बोल रहे हैं मैडम ये रात पे वही वही इसीलिए मैंने खजूर वटी को भी जोड़ा है आप उनको हो सके तो गुलकंद को भी सजेस्ट कीजिएगा प्रवाह मिश्रित गुलकंद मैम नस्य भी दे सकते हैं इनको नस्य भी जा अभी क्या करेंगे 15 दिन के लिए इतना दे सकते कोई भी अनुतेल दीजिए पंचेंद्रिय अनुतेल या पंचेंद्रिय वर्धन जो भी आपके पास अवेलेबल है जो भी हाँ ओके थोड़ा
हाँ इनको ना थोड़ा सा सोने से पहले दूध भी पीना अच्छा रहेगा, दूध भी पियेंगे तो मतलब नींद के लिए भी अच्छा ये हो जाएगा, अच्छा आराम मिलेगा, नींद अच्छी आएगी, क्योंकि नींद ना होने से ही सब कुछ लग रहा है मुझे तो, ज्यादा से ज्यादा तो मैडम शी ऑलरेडी इतने ए कफ प्रकृति पर्सन है बिल्कुल ये या तो मैं और कुछ पहले बताइए क्या सोचती जगन्नाथ हूँ जी। इसको ए पालम मुझे एक एक क्या कंप्लेंट लिख रहा है कि वो पार्श्वशूल ही बोली है पहले मुझे पार्श्वशूल बोले तो मैं क्या सोचे जस्ट गोधन दिवस में घी का प्रयोग करेंगे बाद में देखेंगे बोल के सोचे कॉन्स्टिपेशन बाद में मल, ये हाँ मल कैसा है बता, पूछिए उनको मल प्रवृत्ति कैसी होती है, स्टूल हार्ड है क्या, ओ मोशन फ्री गुंदा हाँ मोशन मोशन फ्री है, क्लियर मोशन है फ्री डेली 2 टाइम्स आती है हाँ ठीक है ना, तो दो खजूर वटी या गुलकंद से वो भी होगा, और बस मुझे लगता है ये 3-4 मेडिसिन से हो जाएगा, एक 15 दिन, और फिर आप थोड़ा उनको फिर बाद में नस्य शिरोधारा कुछ कुछ ऐसे भी कर सकते हैं इसमें ऐड, अभी ओके तो मैम ये मेडिसिन दीजिएगा देखते कितना फर्क पड़ता है, अभी कुछ सजेस्ट ओके करना है आप सभी को इसमें। वेरी गुड इंटरजेक्शन मैडम, हाँ डोनेशन चेप्पिन मेरे साथ चिंता नहीं कुछ सजेस्ट पेशेंट को करना है तो भूख बता दो। लगती है मैम मुझे बोला खुद से भूख लगती है क्या कि भूख नहीं है भूख भूख आके लिख रही थी खुद से खाना मालूम होता है क्या, मतलब बहुत भूख लगती है इसको चालाक पित्त भी प्रधान है, कफ पित्तज प्रकृति है शायद, चेहरे से तो कफ लग रहा है बट बाकी लक्षण देखेंगे वो तो पित्तज भी है, कफ पित्तज प्रकृति लग रही है। नासा से वो रक्त गिरता है बोल के बोल रहे तभी हाँ देखिए तो कभी वही मैं बोल रही हूँ ना, इसीलिए मैंने प्रवार मिश्रित गुलकंद ये खजूर वटी आरोग्य ये हमने उशिरासो भी दिया है, तो सभी से भी पित्त का ही है इनको निश्चित रूप से, पित्त ओके रस मैडम स्रोतस मैम दृष्टि एक से आवत ठीक पत्ती कर चूर्ण भी बोलिए ताकि वो पित्त का रेचन करेगा अभी पत्ती कर है। अभी पत्ती कर भी लिखिए फिर, अभी पत्ती कर ओके मैडम ठीक है, एवरी डे नाइट लेना है मैडम औपत्ति कर प्रयोग नाइट नहीं नहीं का नहीं 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 2 बार दीजिए ना, 2 बार दीजिए ना, कितना कितने ग्राम का देना है मैडम बताइए माधुरी कितने मात्रा में दे, 1 टीस्पून पूरा भर के देना है 1 चम्मच पूरा दूध मैडम में दिया क्या तो चलेगा मिल्क में दूध में दिया तो अच्छा रिजल्ट जल्दी अच्छा आएगा। हाँ मैडम क्या है कि इधर मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में इधर अच्छा हमारा अच्छा गवर्नमेंट तो अब चूर्ण का टैबलेट रेडी करे हाँ चले ना चलेगा, चलेगा टैबलेट चलेगा है ना, तो हम 6 3 ग्राम्स बोले तो 6 टैबलेट देना पड़ेगा पेशेंट्स को नहीं नहीं टू नहीं टू टैबलेट्स, टू टैबलेट टैबलेट्स दीजिए, देना इतना नहीं इतना नहीं, टू टू टैबलेट्स टैबलेट्स होगी तो हम 1 ग्राम ही होगा मैडम है तो नहीं नहीं लेकिन टैबलेट केस में तो 2 से ज्यादा नहीं देना, 2 ही दे दीजिएगा, 2 बीड़ी दो से दीजिएगा, सफिशियंट नहीं होता है ना मैडम ऐसा है तो 1 ग्राम ही होता है फिर बीड़ी दीजिए बीड़ी, हाँ टीडीएस मैडम भी कर सकते माधुरी फिर बहुत ज्यादा हो गया नहीं लेकिन, पर टैबलेट मिलीग्राम कितना है मैम आपका 250 मिलीग्राम है 500 mg मैडम 500 mg ना, तो 2 बीड़ी हाँ बस हो गया ना, पहले देखो ना कैसे, अगर 2 बीड़ी से नहीं हुआ उनको तो 3 बीड़ी हाँ दे दीजिए, ओके मैडम ओके मैडम हाँ फर्स्ट गिव 2 बीड़ी मिनिमम से स्टार्ट, हाँ वही मैं मतलब इतना एकदम से नहीं देना है, ओके मैडम ओके ठीक है अभी थैंक यू 15 दिन का मेडिसिन मैडम दीजिएगा, फिर मुझे लगता है ना माधुरी हम लोग इनको कुछ नस्य शिरोधारा के लिए भी बता देंगे, हाँ चलेगा मैम, चलो दीपन पाचन हो दीपन जाए पाचन हो जाएगा ना, धातु मतलब स्त्रो कुछ जो भी अवरोध है आम है वो भी कम हो जाएगा, उशिरासो दीजिएगा जरूर ना, क्योंकि उशिरासो अच्छा काम करेगा यहाँ पर पित्त जनित ओके संप्राप्ति मैडम के ओके लिए भी, और ये क्लेद अधिक बनता है इसमें भी काम करेगा, वो भी है ना एक कल्प आपने सिखाया था दुर्वा का वो हाँ जो वो भी अच्छा है हाँ उनको रक्त पित्त होता है ना नाकस नासा से बब अभी कितना बोल देंगे मेडिसिन, इसीलिए मैंने थोड़ा सा मतलब के बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना तो इसीलिए, बराबर है कौन सा भी चॉइस करके कर कौन सा सकते भी चॉइस कर सकते हैं, ठीक है लावण्या जी फिर बताइए 15 दिन में उनको लेके आइएगा ओके ऐसे मैडम मिलाएंगे, यही रहती है मैं डेली आती हूँ ना हाँ दिखाती बुलाइए, हूँ क्योंकि फिर हमारे हमारे लिए भी कुछ आइडियल हो जाएगा, सीखने को भी मिलेगा ना एक्सपीरियंस, ओके श्योर श्योर मैडम श्योर या ओके थैंक यू यस यस मैडम थैंक यू वन एंड थैंक यू, ऑल थैंक यू थैंक यू सो अच्छा लगा थोड़ा सा लाइव डिस्कशन किया तो मतलब यस यस सो थैंक यू मैं वेरी ये मच, सोचता हाँ बताइए
मैम मेरे पास पेशेंट थी आज ना, उसको दो टू मंथ से एमिनोरिया है, और जो उसके जो बावल हैबिट्स हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन रहती है उसको मैम ज्यादा, और वो एंटी डिप्रेसेंट ले रही है मैम पहले। अच्छा, एमिट्रिप्टोली ले रही है पहले ना मैम वो, और उसके टेस्ट करवाए मैम, LHFSH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन वगैरह मैम, ये नॉर्मल है सारे उसके। अच्छा, और मैंने उनको दिया हृदय की चूर्ण दिया, दशमूल अरिष्ट दिया मैंने। अच्छा, और आरोग्य वर्धनी, कबीराक्ष वटी, हाँ जी, और अदरक सवर्णस्य शुरू किया मैम आज उसका। अच्छा, उसको मैम पीरियड्स डायवरी लेने से आज ही शुरू किया है ना? हाँ जी मैम, एक्चुअली में जब मेरे पास पहले वो आई थी ना, हाँ, तो उसको एमिनोरिया था, फिर मैंने उसको डायवरी दे दी थी, हाँ, उससे पीरियड उसको आ गए थे, फिर आज 10th डे था, तो फिर मैंने उसको अदरक सवर्णस्य शुरू किया आज। अच्छा, तो हाँ जी, हार्मोन लेवल मैम उसका ठीक है। एज क्या बताया? उसकी मैम एज 19 ईयर है। 19 ईयर? हाँ जी, बहुत कम है। अच्छा, तो अभी तो स्टार्ट किया है, तो थोड़ा 3 दिन दीजिए, थोड़ा देखते फिर क्या होता है। 3 दिन देना है मैम? हाँ, 3 दिन दीजिए। आप क्या चाहती है, मतलब अभी क्या, किस प्रकार की इसके लिए मतलब डिस्मेनोरिया की आप ट्रीट कर रही है ना, डिस्मेनोरिया कंडीशन के लिए? नहीं मैम, उसको पीरियड नॉर्मल नहीं है ना उसको। हाँ, मेरे को लगा कि उसको एनोवुलेटरी साइकिल होता होगा, क्योंकि अभी उसको थोड़ा टाइम पहले ही स्टार्ट हुए हैं पीरियड उसके। अच्छा, तो ये अच्छा, शायद उसको स्टार्टिंग में जो साइकिल है उसको एनोवुलेटरी रहता होगा, तो उसकी ओवुलेशन इंड्यूस हो जाएगी अदरक। हाँ, तो वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, ठीक है, आप इतना दे दीजिएगा, फिर हम लाइक 1 वीक हो जाने दीजिए आपने जो भी ट्रीटमेंट चालू की है ना, फिर हम लोग इसको फॉलो अप करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है तो अभी चेंजेस नहीं करेंगे। अभी कब आए थे मेंसेस इनको लास्ट? उसका मैम 10th डे था आज। हाँ जी, अच्छा 10th डे था, तो ठीक है ना, तो ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए ट्रीटमेंट के साथ। क्या क्या लिखा है आपने स्वाति जी? एंडोमेट्रियम थिकनेस के लिए पूछ रहे। मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया मैम उनका अभी। अच्छा ठीक है, फिर अभी इतना करके। नमस्ते मैम। हाँ बताइए। नमस्ते मैम, मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रही इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी मैम। मुझे लगता है इस फेस में ना एंडोमेट्रियम थिकनेस भी देखनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल वही बता रही ना मैम की इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराए ना उन्होंने, एक्चुअली देखना चाहिए। मुझे लगता है ना, ये अभी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट की है तो 7 डेज होने दीजिए, और एक बार फिर यूएसजी करवा लीजिएगा, तो सारे मतलब रिपोर्ट्स भी आएंगे, तो हम लोग कुछ और इसमें ऐड कर सकते। अभी आइडिया नहीं आ रहा है इसे। मैम नसे 3 दिन दो, अभी से रास्ता मिलेगा मैम। जैसे जी मैम, अगर एंडोमेट्रियम की लेंथ है कम बन रही है, तो उसमें तो कोई रस बड़ा जो आहार रस का पोषण ऐसी कोई गोली देनी चाहिए? आवाज नहीं आ रही है। आरती को निकालने, ठीक है मैम, बाहर ही थोड़ा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, यस मैम। कनवल जी आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैम, नस्या के लिए पूछ रही थी मैं कि कितने दिन दो नस्या उसको? 3 ही दिन दीजिएगा, 3 ही दिन दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा अभी शरद ऋतु भी है ना, लाइक थोड़ा अदरक, हाँ, इसीलिए 3 दिन दीजिएगा, है ना? यस, तो आज अच्छा डिस्कशन हुआ, सो आई थिंक इट विल बी यूजफुल फॉर ऑल द वैद्यास। सो इसी प्रकार से इंटरेक्टिव बनाइए इसको, पेशेंट्स को भी लाते रहिए, हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे, उनसे भी हमें सीखने को भी मिलता है। तो निश्चित रूप से बहुत बहुत आभार आप सभी का, और आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं हम लोग। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं। कल 2 बजे एक अच्छा सेशन है अगत तंत्र का, जो हमारी सीरीज चल रही है इसकी, अष्टांग सीरीज, तो कल का इंटरेस्टिंग है, अगत योगा स्किन डिसीजेस पे है एक्सक्लूसिवली, तो आप ज्वाइन हो जाइए सभी लोग, ठीक है। नमस्कार।